बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबर है, बड़े अहम केस का फैसला हुआ है और फैसला है साइफर साजिश केस का, जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को 10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाहमहमूद कुरैशी जो उनके साथ थे उन्हें भी 10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। ये साइफर कहानी जो है वो बड़ी देर से शुरू हुई, उस वक्त शुरू हुई जब साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश की जा रही थी और तैयार हो रही थी और उन्होंने साइफर को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए एक जलसा में लहराया और जलसा में लहराते हुए जो है ये कहा कि मेरे खिलाफ़ जो है अमेरिका साजिश कर रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर ये तमाम सियासी जमातें जो हैं मेरी हुकूमत को गिराना चाहती हैं। और फिर बिलाखिर वही हुआ जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने अमेरिका समेत साबिक आर्मी चीफ समेत कई ऐसी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाए कि कभी उन्होंने कहा अमेरिका ने साजिश की, कभी उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने साजिश की, कभी उन्होंने कहा किसी और ने साजिश की। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और बिलाखिर आज इस केस का फैसला हो गया है और उन्हें कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला था क्या और ये अब इसका एंड जो है सज़ा पे हुआ है तो आगे ये केस या हालात किस तरफ जा सकते हैं। इस केस पर मेरिट डीमेरिट की भी बात हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मियां दाऊद साहब और राजा खाले साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अशतर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि आज ये फैसला जो है वो सामने आया है तो इसके अगर हम तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मौका नहीं दिया गया लायर्स को बात करने का, जिरा करने का, एविडेंस पेश करने का, तो हमने तो जो देखा कि वो तो ये था कि लायर्स को बुलाते थे जज साहब, लेकिन लायर जो थे वो पेश नहीं होते थे और फिर बिलाखर जो है ये फैसला आ गया। कानूनी क्या, बल्कि एक ऐसी इस्तलाह है जिसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है और वो शायद बात दुरुस्त भी है। वो ये है कि यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन रॉन्ग। जी, अगर आपने कोई काम गलत किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि काम गलत हो गया इसलिए ये फैसला दुरुस्त नहीं है। अब अगर आप अपने वकला को कहें कि इस केस को तूल दो, आप अदालत में मत आओ ताकि ये सारा मामला तवालत की तरफ चला जाए, इल्तवा में चला जाए, तो आप बात भी ये नहीं कह सकते कि चूंकि मेरे वकला वहां मौजूद नहीं थे इसलिए मेरे साथ इंसाफ नहीं। और दूसरी बात यह है, ये तो तकनीकी और प्रोसीजरल बातें हैं, पर ये वहां पे बात करेंगे, वहां पे बात चल सकती है जहां पे कोई ऐनी शहादत की बात हो जिसको आपने क्रॉस एग्जामिन करना है। जी जी। तो डॉक्यूमेंट्स की बात थी, ऐसा ही है। और डॉक्यूमेंट क्या था कि क्या साइफर आया या नहीं आया, साइफर वो लहराया गया या नहीं लहराया गया, ये भी एक उसके मंदरजात की बात है। और वो कहां कहां उन्होंने के जनाब ये साइफर जो है उसको मैंने नहीं लहराया, पूरे जलसायाम में जी जी, जब ये कहते हैं कि ये साइफर है जी। तो फिर या वहां झूठ बोला अवाम की अदालत में या कोर्ट में कहा ऐसे ही कि जिसको मैंने लहराया, तो दोनों जगह में से एक जगह तो झूठ बोला, ऐसे ही तो झूठ तो फिर साबित हो गया। ऐसे ही, अब सिर्फ झूठ की बात ही नहीं है जी जी, साइफर का ताल्लुक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दफा 5 और 9 के साथ है, ऐसे जिसकी खिलाफ वर्जी अगर हो तो उस खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा मिलती है और वो सजा है सजाए मौत, वो सजा है उम्र कैद या उससे कम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कहीं पे ये नहीं कहा कि ये केस झूठा बनाया गया, ऐसे ये कहा गया है कि मिस ट्रायल हुआ है, ये कहा गया कि मुझे मौका नहीं दिया गया। भाई अगर आपको मौका एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार मौके दिए और आप नहीं करेंगे तो आप उसका अब इल्जाम किसी और को नहीं, खुद आप उसके मुर्द इल्जाम है। जी जी। अगली बात जो मैं करना चाहूंगा वो शायद इस तरीके से है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है ना जी जी, वो इम्पैक्ट इकोनॉमिक टर्म्स में, रुपए पैसे के टर्म्स में नहीं, इसका बेनिफिट जो है वो कोई
ذاتی مفاد کی بات نہیں, یہ تو پولیٹیکل مفاد کی بات ہے. ایسے ہی اور کیا یہ سلسلہ یہیں شروع ہوا؟ نہیں. آپ یاد کیجئے کہ اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی اور وہ تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آئین کا جو حلف ہے اس کی آپ نے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. سو یہ کیومولیٹو بات ہے اور یہ جو ٹرائل ہے آخر کو یہ ہونا ہی تھا. جی ایسے ہی ایسے ہی. اشرف صاحب, میں میاں داؤد صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. میاں صاحب, مجھے بتائیے گا کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان کا حلف ہو, ایک وزیر کا حلف ہو, اس میں یہ واضح ہے کہ بینگ اے پرائم منسٹر میرے پاس کوئی ایسی چیز آئے گی یا میرے پاس کوئی ایسا راز ہوگا تو میں اس کو افشا نہیں کروں گا. تو یہ تو سارا کیس ہی راز افشا کرنے کا, اور جو آفیشیل ڈاکومنٹ تھا اس کو جو ہے وہ لہرانے کا تھا. بالکل, جیسے اشرف صاحب نے اس کی وضاحت کی, سیکشن 5 کی لینگویج اگر آپ پڑھ لیں تو یہ کیس اس سے بالکل ریلیٹ کرتا تھا, کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا, وہ جس طرح کا بھی ڈاکومنٹ تھا آپ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ نے اس کو مس یوز نہیں کرنا تھا, مس کمیونیکیٹ نہیں کرنا تھا, مس انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں پھیلانی تھی. یہ سادہ سا ایلیگیشن تھا, اور اس ایلیگیشن کے سپورٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا, اس کی ساری ایویڈنس آئی. ہم نے چند دن پہلے یہ ایک خبر سنی تھی کہ عمران خان صاحب نے جب اعظم خان کا بیان ریکارڈ کروایا, نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو عمران خان صاحب نے انہیں تھپکی تھی اور کہا تھا کہ تم نے بڑا اچھا بیان ریکارڈ کروایا. یہ خبر ہم نے ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھی تھی. تو پھر آج عمران خان صاحب اور ان کے وکلا جو ہیں وہ کیوں اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ غلط سنائی گئی ہے. جب عدالت نے آپ کو موقع دیا اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب آپ حکومت میں تھے اور حکومت میں رہتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے تاخیری حربے استعمال کر کے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیا, توشہ خانہ ٹرائل کا کیس کا فیصلہ تاخیر کا شکار کیا تھا, اب آپ چاہتے تھے کہ آپ وہی حربہ, وہی ٹیکنیک جو ہے وہ اس کیس میں بھی استعمال کر سکے, لیکن چونکہ اس میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کا آپ کہہ لیں حکم ہوا تھا, یا آپ کہہ لیں کہ جیل کے اندر جیل ٹرائل کا حکم ہوا تھا اور وہاں پر آپ ڈیلے کر نہیں سکتے تھے, تو اسی لیے اب آپ یہ ایکشن ریز کر رہے ہیں کہ جلد بازی کیوں کی گئی. جلد بازی کرنے کی ممانعت کہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ جلد بازی نہیں کی جا سکتی؟ اگر ایک کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک دن میں ایک کیس کا فیصلہ سنانا چاہتی ہوں تو وہ سنا سکتی ہے. ہم نے ماضی میں اس کی مثال دیکھی ہے جب, ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا ابھی حسن رضا پاشا صاحب نے, ماہر قانون ہیں, ان سے بات کریں گے. حسن صاحب, مجھے بتائیے گا سر کہ معاملہ ہے کسٹوڈین کا کہ ایک ڈاکومنٹ آیا, ایک سائفر ٹیلی گرام آتی ہے امریکہ سے, ورکنگ لنچ کی جو ہے وہ سائفر تھا, اسے ڈی کوڈ کیا گیا, وزیراعظم کو پیش کیا گیا اور وزیراعظم نے کہا گم ہو گیا. تو یہ ایک وزیراعظم کو زیب دیتا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ, آفیشیل ڈاکومنٹ جو ہے وہ کہے کہ مجھے گم ہو گیا, بڑی آسان سی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو بڑے اہم جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. ایک کہ سائفر آیا جی اور ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر کو حوالے کیا گیا. ٹھیک ہے, اب پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بھرے مجمع میں تمام جلسہ عام میں, تمام میڈیا بھی موجود ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, انہوں نے ایک کاغذ کو لہرایا اور کہا کہ یہ سائفر آیا ہے اور اس میں دھمکی ہے. پھر ایک آڈیو لیک بھی آئی اس وقت اور یہ کہا گیا کہ میں اس پہ کھیلوں گا اور وہ خوب کھیلے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ اپریل 2022 کے بعد اس سائفر کی وجہ سے اتنا بنا کہ ابھی تک وہ قائم ہے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ابھی تک جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, وہ ہے جو امبیسیڈر ہیں پاکستان کے امریکہ کے, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مجید صاحب کی, انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ یہ ڈسپلیئر شو کیا امریکن گورنمنٹ نے, ہم سے مانگا کہ وہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ دیں جو لہرایا گیا ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی پروویژن لگتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو ایک تو
करके डी मार्च रोजाना होते हैं, आपको पता है, ऐसे ही है कि हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कभी अफगानी सफीर को बुला के डी मार्च किया जाता है, कभी इंडियन सफीर को, कभी वो कभी होते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये आउट नहीं किया कि जो एब्स्ट्रैक्ट है किसी साइफर का उसको आउट नहीं किया। वो एक मैं समझता हूँ कि फॉरेन जो सर्विस के जो 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 पैराबीटर्स हैं वो तो आता उनको, है खुफिया कोड में है जी, उनको मद्देनजर रखा जाता है उस उसको कि कहीं गैर जिम्मेदार स्टेट का जो है वो स्टेटस मुल्क को ना मिले, लिहाजा वो चीज़ें आउट नहीं की जा सकती। हो सकता है कोई और ज़्यादा धमकी अमेज भी किसी ने किए हों, लेकिन उसको आउट नहीं किया जा सकता वो सर्टन रीजंस कि आपने दुनिया आलम को ये बताना है कि हम जिम्मेदार स्टेटमेंट स्टेट हैं और हम ये इस तरह की चाइल्डिश एटीट्यूड नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक साइफर का आना, डी कोड होना, इनके हवाले करना, और फिर वो आज भी 342 की स्टेटमेंट में जो आपका मीडिया बता रहा है कि वो गुम हो गया, उन्होंने पूछा, और यानी कितनी आसानी से कह रहे हैं, इतनी अहम जो दस्तावेज है और वो अमेरिकन अखबार में छप गई। बिल्कुल, तो ये चीज़ें, दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं। बाकी जो इसके प्रॉस एंड कॉम्स हैं, जो तरीका कार किया गया अदालत ने जिस तरह किया, भाई साहब मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अशरफ साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जा रहा कि ये केस झूठा था, वो ये कह रहे हैं कि हमें ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इस पर बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि साइफर आखिर गया कहाँ। हसन साहब, बाशी साहब, आज भी बड़ा एक अहम सवाल उठाया गया जज साहब ने, जब सजा सुनाने से पहले 342 का बयान जब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि खान साहब मैं बड़ा सादा सा सवाल कर रहा हूँ आपसे कि साइफर है कहाँ पे, तो फिर भी उन्होंने वही जवाब दिया कि साइफर मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो गुम हो गया। कैसे गुम हो गया सर, एक इतना अहम डॉक्यूमेंट जिसको आप एक बयानिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वजारत खारजा का डॉक्यूमेंट है, वो डी कोड हुआ, फिर वजीर खारजा के पास गया, वजीर खारजा ने आपको दिया, और फिर आप कहते हैं गुम हो गया। ये एडमिशन है उनके पार्ट पे जी कि साइफर मुझे मिला, चाहे उसकी कॉपी थी जी, ट्रांसक्रिप्ट था, जो भी था, वो मिला और वो गुम हो गया। तो ये गुम होना, अब देखना ये है कि क्या उसमें क्रिमिनल इंटेंशन बनती है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की किसी सेक्शन कोई इतलाक होता है जी, जी। तो वो सेक्शन 5(3)(a) उसका इतलाक हुआ, जिसकी वजह से ये इनको सज़ा हुई। मैं समझता हूँ कि इतने अहम मनसब पे जब आप फाइज होते हैं तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट ना तो पब्लिक में ले जाने चाहिए और ना ही उनको इस तरह तशहीर की जानी चाहिए कि आपके रिस्ट्रेंड तल्लुकात हो जाएं दूसरी स्टेट्स के साथ, जिनके साथ आपका काफ़ी सेंसिटिव किस्म के जो तल्लुकात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाज़े तौर पे एक चीज़ जो कि उनकी पार्ट पे जो एडमिशन था वो उनके ख़िलाफ़ किया है। ठीक है, अच्छा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा कि कभी पहले हिस्ट्री में, आप सीनियर कानूनदान हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े केसेज जो है वो देखे, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म गुजरा हो, कोई ऐसा शख्सियत गुजरी हो जिसके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो और वो कहे जी गुम हो गया, और फिर उसे इस्तेमाल भी करता रहा और जलसे में लड़ा भी रहा और फिर कहीं गुम हो गया? कुछ बातें हिस्ट्री के अंदर तो बिल्कुल लिखी हुई हैं। एक तो याद रखिए कि ये मामला जो हैं ये इस नौयत के हैं और इतनी संजीदगी के हैं कि जहाँ पे आपके मसलन मियां नवाज शरीफ को एक बार नहीं कई दफ़ा माजूल मैं समझूंगा किया गया, उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं जी, जी। कि किसी मुल्क ने साजिश की हो या की हो। हसन रजा पाशा साहब ने जो बात की कि हमारे ताल्लुकात अमरीका से खराब हुए और उस बात की जो है वो गमाजी उस बयान में भी है जो कि हमारे सफीर ने की, याद रखिए वो सिर्फ और सिर्फ अमरीका के साथ नहीं, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट तमाम ममालिक के साथ लाजमी तौर पर। और वजीर आजम जब इस तरह की कोई गैर जिम्मेदारी का सबूत दें तो फिर आपकी क्या हैसियत रह जाती है, आपकी क्या स्टैंडिंग रह जाती है? तीसरी बात यह है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनी और तो सदर अमरीका को भी रिजाइन करना पड़ गया, और अगर उनको पार्डन ना करते सदर फोर्ड तो शायद वो जेल उनको काटनी पड़ती। तो ये ऐसा नहीं है
कि कहीं पे दुनिया में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारे अपने मुल्क में एक फौजी अफसर थे, उनको भी सजाए मौत दी गई थी जी। क्योंकि उन्होंने कुछ ऑफिशियल सीक्रेट्स जो थे वो शेयर कर लिए थे जी जी। तो ये सारी बातें हैं और इनमें वाकई ये संजीदा बातें हैं इसके अंदर। सर मुझे बताइएगा कि अब ऑप्शन सर क्या है तरीके इंसाफ के पास? हाई कोर्ट अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीधा, क्या ऑप्शन क्या रह जाती है? सबसे पहला तो ऑप्शन उन्होंने खुद खो दिया और वो ऑप्शन था अपने केस को संजीदगी से कानूनी तौर पर लड़े। सही। जब आप संजीदगी से उस केस को नहीं लड़ते कोर्ट के अंदर और अपना सारा का सारा जो फोकस वो रखते हैं मीडिया पे, टेलीविजन पे, बयानात पे, तो फिर आपका केस कमजोर हो जाता है। ठीक है। उस कमजोर केस को जब आप हाई कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है, तो रिकॉर्ड पर जो बातें आ चुकी हैं उसको आप झुटला तो नहीं सकेंगे, और ये बात सारी रिकॉर्ड की है, ये जबानी कलामी बातें नहीं है। ये बड़ा आसान होता है मेरे लिए या किसी और के लिए कहना कि जी ये केस जो है ये ठीक तरीके से नहीं चला, लेकिन रिकॉर्ड खुद बोलेगा कि ये केस कैसे चलाया गया। सही है। और अगली बात ये क्या कर सकते हैं, अपील करें, और तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, तहरीक इंसाफ तो अपील नहीं फाइल कर सकती। जी जी, सारी बातें। अपील तो फाइल करेंगे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जी जी। और मुझे यकीन है कि इसके अंदर जिस तरीके से सारा मामला चला है उसके अंदर जो है कानून ही की बालादस्ती होगी, क्योंकि कानून ही बालादस्त है जी जी। कोई ना जज बालादस्त है, ना कोई साहिल बालादस्त है, ना कोई वकील बालादस्त है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई एक आम आदमी हो, सबको कानून की पासदारी करनी है और कानून के मुताबिक। सर एक नुक्ता जो उठाया जा रहा है सर, मुझे समझाइएगा, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया और स्टेट काउंसिल ने को मुकर्रर किया गया और स्टेट काउंसिल ने जरा की तो फिर ऐसे ही होना था। तो किस हद तक जो है कोर्ट जो है वो स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर सकती है कि जब वकील ना आ रहे हों या कोई ऐसा हर्डल्स हों तो फिर इसके थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा सर प्लीज़। जी, हाईकोर्ट रूल ऑर्डर्स में ये लिखा हुआ है और सरहद के साथ लिखा हुआ है, और दो केसेस में तो मैं खुद जब मैं अवैल प्रैक्टिस में था, अवैल प्रैक्टिस भी नहीं थी, मेरे ख्याल 7-8 साल की मेरी स्टैंडिंग थी हाईकोर्ट में, जब मुझे इसी तरह के एक केस में जहाँ पे जो है वो वकील नहीं पेश हो रहे थे जो मुकर्रर किए हुए थे, साहिल ने खुद कोर्ट की तरफ से डिफेंस काउंसिल के तौर पे मुकर्रर किया गया। और ये होता है, ये सारी दुनिया में होता है कि जब एक ट्रायल जो है वो चलाने ना दिया जाए, और इसके इस कोर्ट के पास तो सिर्फ एक ही केस था ना, वाहिद केस था, और इसमें ऑर्डर्स भी थे कि डे टू डे चलाया जाए इसको, ऐसे ही। और किस मुल्जिम का ये हक नहीं है कि उसके खिलाफ जो केस है उसको सराहत के साथ चलाया जाए और डे टू डे चलाया जाए? ये तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है और सीआरपीसी ही में सारी बातें हैं, ये मावराए कानून कुछ नहीं हुआ, ना प्रोसीजर ना सब्सटेंटिव। तो देखेंगे कि आगे चलने वाले, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि मुल्क का सीक्रेट किसी के साथ शेयर करना नहायत कभी ही बात है, बिल्कुल ठीक है, नहायत घनौना जुर्म है मेरे नजदीक। ये नाकाबले तलाफी नुकसान हुआ पाकिस्तान को, जिसकी तलाफी सजा से नहीं हो सकती, बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही, लेकिन दूसरों के लिए आप मकाम इबरत जरूर बनाए। ठीक है। मियां दाऊद साहब मुझे बताइएगा कि आज गौर अली खान ने जो है वो अपील की है अपने वर्कर्स के से के जो है वो पुरमन रहें, इंतशार ना फैलाएं, और हमने देखा कि सानिया 9 मई भी हुआ था और अब जो है वो 8 फरवरी भी आने वाला, तो कोई थोड़ा सा हालात पे नज़र है आपकी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? सर हालात तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसमें ऐसी कोई बात रही नहीं कि इस फैसले के ऊपर किसी किस्म का कोई रद्देमल आता या देखने में नजर में आता। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आप जितना भी शोरगुल सुनेंगे वो ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप देख लेंगे, वो भी अब बेचारे पुरानी वीडियोस को देखकर और पुरानी वीडियोस का सहारा लेके अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा वो कुछ कर सकेंगे नहीं, उसकी वजह यह है कि ये कुछ कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं जैसे अश्तर साहब ने फरमाया,
कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप इस मुकदमे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इल्जाम नहीं लगा सकते किसी सियासी जमात के ऊपर। एक साइफर था वो जिस भी नौयत में था, प्राइम मिनिस्टर ने उसको मिसयूज नहीं करना था, उसको घुमाना नहीं था। ये गलत बात इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो की गई कि वो गुम गया। भाई गुम गया, ये गुम जाने का लफ्ज बोलना इस बात का सबूत है कि तुम किसी भी मुल्क की किसी भी वजारत के अहल नहीं थे। तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर हो के तुम्हें एक जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो तुम्हारे साथ की गई और तुम कह रहे हो कि वो गुम गई है। यही एक बात काफी है तुम्हें नाहल करने के लिए, पाकिस्तान से निकालने के लिए। सो इस तरह की चीजों के आप इमरान खान साहब और किसी भी मुकदमे के ऊपर अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम लगा लेते हैं, लेकिन इस मुकदमे के ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा या इस सजा के ऊपर कोई उनके साथ निकलेगा, ना ही निकलना चाहिए। इमरान खान साहब को छोड़े कोई भी वजीर आजम किसी भी सियासी जमात का हो, अगर वो इस तरह की हरकत करता है जिससे पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर मुजहका खेज पोजिशन में आ जाए, तो उसको सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जानी चाहिए। ठीक है भाई साहब, मुझे बताइएगा कि इस सारी सूरतहाल के जिम्मेदार कौन है सर? एक जमात को जो है वो हुकूमत मिली, इक्तदार मिला, वज़ीर आज़म के अहदे पे एक शख्स पहुंचा, और लेकिन उसने अपनी पार्टी की रूट्स जो है वो जड़ें पक्की करने के या जड़ें मजबूत करने के बजाय जो है वो कभी सानिया नौमई हो गया, कभी सैफर हो गया, कभी कुछ हो गया, तो क्या समझते हैं जिम्मेदारी किस पर आती है? देखिए कुछ पोलिटिकल डिसीजनस वो हमें सामने रखने पड़ेंगे कि क्या वो डिसीजंस ठीक थे, और तारीख ने ये बताया कि वो बिल्कुल गलत थे डिसीजंस। मसलन सबसे पहला जो डिसीजन उन्होंने किया वो ये किया कि अपनी हुकूमतें 222 वो तोड़ दी। ये देखिए, फिर दूसरा जो उन्होंने संगीन वो हरकत की कि अपने MNAs जो कि टोटल 3 या 4 कम बनते थे उस वक्त की PDM की हुकूमत के, सबके इस्तीफे दिलवा दिए। हाँ जी, ये भी बड़ी ज्यादती की। अगर वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन असेंबली में होती तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते थे एज अपोजिशन लीडर। ठीक है, और फिर जो तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पंजाब में आपने उस्मान बुज़दार को लगा दिया, आल दो कि उसमें आपकी सोच ये थी कि डायरेक्टली कंट्रोल आपका पंजाब में होगा और एक डमी टाइप वजीर आला होगा, लेकिन लोग तो देखते हैं ना, ऐसे ही उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपके क्रेडिट और डिसक्रेडिट में जाती हैं। ऐसे ही तो ये 3-4 ऐसे गैर सियासी फैसले थे जिनका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 85 के इलेक्शंस का बाइकॉट किया तो वो खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं, कितना अरसा हो गया। तो ये कुछ पॉलिटिकल ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनमें सोच समझ के फैसले करने चाहिए। और फिर आप देखें कि एक जो मैं पहले अर्ज किया कि जो ऑडियो लीक हुई जिसमें वो आज़म खान के साथ बात कर रहे हैं इस साइफर पे, और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका का नाम नहीं लेना, अब हमने इस पर खेलना है और इस तरह खेलें, तो ये सारी चीज़ें जब आप कड़ियाँ इसको कनेक्ट करते हैं तो नज़र आएगा कि कुछ थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कि चाइल्डिश एटीट्यूड कह रहे हैं, बड़ा अजीब सी बात है जो कि इतने हाई प्रोफाइल हाई पेडेस्टल पे फाइल शख्सियत का इस तरह करना को मुनासिब नज़र नहीं आता। ठीक है अशर साहब, कभी जब ये तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब की गिरफ्तारी से पहले की बात मैं आपको याद करा रहा हूँ कि उनका बयानिया किस तरह वो बयानिया घटते हैं और किस तरह जो है बयानिया को प्रमोट करते हैं अपने आप को, कि उन्होंने कहा जी कि मैं गिरफ़्तार हूँगा तो मुझे शायद जहर दे दिया जाए, फिर उन्होंने कहा जी मैं गिरफ़्तार हुआ तो शायद मुझे इंजेक्शन लगा के जो है वो मार दिया जाए तो ताकि लोग जो है वो तैयार रहें। तो फिर हमने देखा कि जब नैब ने गिरफ़्तार किया तो गुड टू सी यू करके उन्हें रिहा कर दिया गया, फिर बाद में मोटरवे की अगर आप वीडियो देखें तो उसमें कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया तो आपने ये करना, फिर सानिया नौमई हो गया। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस हद तक जो है आवाम उन पर यकीन करे, और बयानिया की जो जंग है सिर्फ जैसे मियाँ साहब ने कहा कि वो सोशल मीडिया तक ही महदूद है, तो थोड़ा सा इसको ज़रा बताइएगा कौम को कि आखिर एक लीडर के लिए सादक अमीन होना कितना ज़रूरी है। देखिए पहली बात तो ये कि सादिक और अमीन जो है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये उनके एट्रीब्यूट से किसी के जरिए तलाश करना शायद कोई मुनासिब बात नहीं है, और ये जो आपके आईन में ये चीजें लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है माजरत के साथ। सही है। लेकिन सच बोलना
ये तो आपका ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सच बोलना तो हमारा जो है इट इज ये लाजमी अमर है, ठीक है, और जो झूठ बोले उसको आप कैसे कैसे आप जो है वो हुकूमत और किसी भी जिम्मेदारी के मनसब पे रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो एक पहलू हो गया वो। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि बयानिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन की तरफ है, बयानिया जो है वो सिर्फ कलाबाजियों की तरफ है, बयानिया जो है अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि ये कैसा वजीर आजम हमें मिला जो कि कहता था कि ये यू टर्न लेना जो है ये तो बिल्कुल ऐन मुनासिब बात है और यू टर्न लेना जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। और आप इसी केस में देख लीजिए कितने मुख्तलिफ बयान दिए गए, फिर आपने आईन के साथ जो खिलवाड़ किया, जो आपने मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ किया, और जिस तरीके से आपने अपनी जो साख है पूरी दुनिया में उसको दाव पे लगा दिया इसलिए पॉलिटिकल गेम्स के लिए। और मैंने सुना आपके जो आपके शरीके गुफ्तगु हैं उन्होंने बात बिल्कुल सही की कि ये सारे के सारे गड़े इनके अपने खोदे हुए हैं जिसमें ये गिरे हैं, और इसको किसी को मुर्द इल्जाम न ठहराए सवाए अपनी जात के, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरीके से कि ये इस मामले में मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ न किया जाए। अब जो उनके हामी हैं, जो उनके शहदाई हैं, उनको हक हासिल है कि वो उनकी हमायत करें करें, लेकिन उतारा मुल्क और कौम के साथ जो है वो अब ये काम खत्म हो जाने चाहिए। तनकीद बराए तनकीद कोई चीज नहीं होती, तनकीद बराए तामीर असल चीज है, सही है। और हमें अब जो है वो नफरत और पोलराइजेशन के दायरे से बाहर निकलना है। जुबान से हमने कहना है कि पाकिस्तान को हमने जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अक्षय साहब, अक्षय साहब मुझे एक सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अक्षय साहब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बाकी केसेस हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनमें जो पेशरफ्त है वो क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि साइफर केस का तो फैसला हो गया लेकिन बाकी केसेस जो हैं अभी मौजूद हैं। तोशाखाना जो फौजदारी केस था उसमें इसलाह हुई पहले, अब साइफर केस में इसलाह हो गई है, तो जो बाकी केसेस हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। राय खालिद साहब मुझे बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशाखाना तहाइफ केस है नैब का, वो भी चल रहा है, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि ये केस किस तरफ जा सकते हैं। देखिए जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड्स का, वो भी मैं समझता हूँ कि साइफर की तरह, साइफर केस की तरह एक ओपन एंड शट केस है, प्रूव केस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइन किया था मलिक रियाज साहब को, और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम वहाँ बरतानिया में मौजूद थी जिसे वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किया, और वहाँ का कानून ये है कि वो जिस मुल्क से आई होती है मनी लॉन्ड्रिंग करके उसी मुल्क को वापस भिजवाते हैं। जब वो वापस उन्होंने भिजवाई तो फिर मलिक रियाज साहब और इमरान खान साहब का आपस में मिलाप हुआ, गठजोड़ हुआ या जो भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं चूंकि ये मेरी अमाउंट थी, मेरी रकम थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अलग से फाइन कर रखा है, तो लिहाजा इस रकम को आप कैबिनेट से अप्रूवल लेके तो सुप्रीम कोर्ट के फाइन की मद में, जुर्माने की मद में जमा करवा दें, ठीक है। तो एक बंद लफाफे में उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल ली जिसकी गुवाही उनके अपने बुजुर्ग ने दी कि एक बंद लिफाफा था, तो कहा गया जी कि मैं इसकी मंजूरी चाहता हूँ, ये नहीं बताया गया कि इसमें क्या है, कितनी अमाउंट और क्या मामलात हैं, तो हमें अप्रूवल उसकी देनी पड़ी, तो वो चली गई सुप्रीम कोर्ट के। उसमें जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसा मिलना था वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला वो नहीं मिल सका। तो अभी सर इसमें क्या राय साहब थोड़ा सा बताइएगा कि ये अभी किस स्टेज पे है केस, मजीद इसमें क्या पेशरफ हो सकती है। नहीं देखे ना अभी तो उसका ट्रायल शुरू है, ट्रायल शुरू हुआ उसका, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी ये ऐसे ही करेंगे कि
उसके ट्रायल का इसी तरह कोशिश होगी कि लिंगर ऑन किया जाए, उसे प्रोलॉन्ग करते हुए आखिरी स्टेज पे जाके तो फिर डिफेंस काउंसिल को हाजिर ना करें, उसका बाइकॉट किया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाए ताकि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से किसी स्टेज पे रिमांड हो सके और वो कह सकें जी कि ठीक है, जिन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया, जिन पे जरा नहीं हो सकी, उन पे दोबारा जरा हो और वहीं से केस स्टार्ट करें। ठीक है राय साहब, ठीक है मियां दाऊद साहब जो राय साहब ने कह रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स के साथ जो इनकी लीगल टीम है वो शायद खेलना चाह रही है कि हम ग्राउंड ऐसी बना दें कि जो सजा हो, फिर बाद में उसे जब चैलेंज किया जाए तो कि हमें कहा जाए कि हमारे वकला को मौका नहीं मिला या हमारे जो स्टेट काउंसिल बनाए गए थे वो उन्होंने काम ठीक नहीं किया, तो किस हद तक ये जो टैक्टिक्स हैं वो कामयाब होंगे? ये तो एपिलेट कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इन मैनर को ज्यादा तरजीह देती है या ऑफेंस के ऊपर और रिकॉर्ड जो है मुकदमे का उसके ऊपर ज्यादा तरजीह देती है। मुमकिन है कि कुछ एपिलेट कोर्ट के जजेस का ये ख्याल हो कि जो तरीकाकार जल्दबाजी का जैसे मौकफ अपना रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकला वो सही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इस कानूनी जवाब की या आप कह लें कि एक प्रोसीजर की इतनी सी मामूली सी कोताही की बुनियाद के ऊपर आप जो मेजर जुर्म है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो बड़ा ओपन एंड शट केस है और इसी तरह साइफर केस भी जो है वो बिल्कुल ओपन एंड शट किस्म का केस था। मैं नहीं समझता कि एपिलेट कोर्ट के अंदर ये इस बात की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाएगा कि जी ये जल्दबाजी की गई है लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो बरी होते हैं। जल्दबाजी की बुनियाद के ऊपर हमने कभी भी मुल्जमान जो है वो बरी होते हुए नहीं देखे। अदालत का इख्तियार है कि वो डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर सकती है, वो उन्होंने किए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात की खालिद साहब ने कि पहले दिन से तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो असल मुकदमे की बजाय टेक्निकल चीजों के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं ताकि मुकदमे को लिंगर ऑन किया जा सके और जब अदालत उस ताखीरी हरबे का नोटिस लेके अपने केस को चलाने की कोशिश करती है तो फिर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि देखें हमारे साथ इंसाफ जो है वो नहीं हुआ। ऐसे ही है, बहुत मुनासिब होता अगर तहरीक इंसाफ का वकला जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर वहां पर जिरा करते हैं। इसमें इतना अहम मुकदमा था, उनके चेयरमैन का मुकदमा था, उनको तो अपनी क्यादत के मुकदमे के अलावा किसी और मुकदमे की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। तो फिर ये कहना कि हमें फाइल पढ़ने का मौका दिया गया और पांच सात माह हो गए आपने अभी तक फाइल ही नहीं पढ़ी, तो ये सारे लेम एक्सक्यूजेस हैं और ये कोशिश करेंगे इन ताखीरी हरबों को जो है वो अपलेट कोर्ट में प्रूव करने की, लेकिन बहरहाल कोई फायदा नहीं होने वाला। देखना होगा कि इस मामूली मैनर की वायलेशन के ऊपर मेन जुर्म जो है उससे किसी को बरी जुम्मा करार दिया जाता है या नहीं दिया जाता। भाई साहब सर 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना ताइफ केस है, सानिया नौमई के केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अल्दो सुप्रीम कोर्ट में है अभी, तो ये सारे केसेस अब देखें, पहले तोशाखाना का फैसला हुआ, अब साइफर का केस का फैसला हो गया, अब 190 मिलियन पाउंड है, तो ये बात कहाँ तक पहुँचेगी सर? ये तो बड़ा उम्र के आदमी कम हो जाएगी। देखें नहीं ऐसी बात नहीं है, सजाएं जितनी भी होती हैं वो साथ साथ चलती हैं और आपने देखा होगा कि जजमेंट अगर देखें कोई भी क्रिमिनल केस में तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ ऑफेंसेस एक ही केस में मुख्तलिफ ऑफेंसेस होते हैं जिनमें सेपरेट सज़ा हर एक में दी जाती है तो आखिर में 382B का बेनिफिट मिलता है कि ये सारी इकट्ठी चलेंगी। ठीक है, इसी तरह बाकी जो सज़ाएं अगर होती हैं तो वो फिर इकट्ठी चलती हैं और इनको ये नहीं होता कि पहले इधर गुजार लें फिर आगे गुजारेंगे, ये नहीं होता। अगर कोई अदालत 382 का बेनिफिट नहीं भी देती तो एपलेट कोर्ट जो है वो 382 का बेनिफिट दे देती है, तो ये तो बात नहीं है इस तरह। सही है, तो एक सर जो सानिया नौमई के केसेस हैं वो भी तो इतने संगीन केसेस हैं कि आपने जलाओ गिराओ किया, मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन थी उन पर हमले किए, उनके भी फैसले आने हैं अभी, तो क्या समझते हैं कि एक काफ़ी डिले हो गया, 8-9 माह होने वाले हैं सानिया नौमई को, अभी तक जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए ट्रायल के उन केसेस का जो है फैसला? देखिए मैं एक बड़ी अजीब सी बात जहन में आ रही है इसलिए भेजेंगे कि मुझे याद है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था पहली फेज में जब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त गालबन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान
थे उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी इस बात की कि जो ऑफेंसेस मिलिट्री कोर्ट्स में हम ट्रायल करने जा रहे हैं उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल होगी और 3 साल से ऊपर नहीं होगी। अब ये हुआ है कि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया तो उन्होंने ट्रायल तो नहीं स्टे किया लेकिन ये कहा कि जजमेंट अनाउंस ना करें, तो ऑलमोस्ट 1/3 तो उनको उन बेचारों की सजा गुजरी चुकी है, ऐसे ही है। और अगर जेल में होते, सिविल प्रिजन में होते रिमिशन्स मिल के तो वो 3 साल की सजा तकरीबन 1.5 साल या एक साल 7 माह 8 माह तक वो मुकम्मल हो जानी थी। बहरहाल अभी तक वो एगोनी ऑफ ट्रायल जो है वो फेस कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, टाइम ख़त्म हो गया सर प्रोग्राम का। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो साइफर केस के शुरू होने से लेके अब तक के जो मामलात थे उसको डिस्कस करें, आपको लीगल राय दें। कानूनी माहिरीन हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया अश्तर साहब साहब, बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया मियाँ दाऊद साहब और राजा खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।